चाहे जितना जोर लगा ले जेडीयू बीजेपी वाले, ये सरकार को हम गिराकर मानेंगे। बिहार में तेजस्वी सरकार बनाकर नहीं लूट लिया घर यार का, ये गीत गाने से अब काम नहीं चलेगा। और दूसरी ओर कह रहे हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये कैसा गठबंधन है, कैसी दोस्ती। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। चाहे कितना जोर लगा ले जेडीयू बीजेपी वाले, नीतीश कुमार की सरकार को गिरा कर रहेंगे और तेजस्वी की सरकार बना कर रहेंगे, ये कहना है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। दरअसल जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पर लगातार आरजेडी के नेताओं की तरफ से तंज कसा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार को भाव नहीं दे रही और नीतीश कुमार है कि कह रहे हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब नीतीश कुमार को ये कौन समझाएगा कि बीजेपी जब उनको भाव नहीं दे रही तो उन्हें खुद पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नीतीश कुमार गठबंधन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जनता पीस रही है क्योंकि जो विकास का पहिया है वो सिर्फ बीजेपी के कारण रुक गया है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले सुनिए। जेडीयू के राज्य परिषद की बैठक में जेडीयू के ही कई नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंका है, बीजेपी ने हराया है, तो यार ने ही लूट लिया घर यार का, ये गीत गाने से अब काम नहीं चलेगा। और दूसरी ओर कह रहे हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये कैसा गठबंधन है, कैसी दोस्ती है, सिर्फ सत्ता का मलाई खाने के लिए गठबंधन बना है, जनता की भलाई इनको करना नहीं है। ये दोनों पार्टियों के झगड़े में बिहार की जनता पीस रही है। जेडीयू के नेता से हम कहना चाहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब बिहार की सत्ता से जाना ही पड़ेगा और बिहार में जनता की भलाई के लिए तेजस्वी सरकार बनेगी, ये बात भी तय है। चाहे जितना जोर लगा ले जेडीयू बीजेपी वाले, ये सरकार को हम गिराकर मानेंगे, बिहार में तेजस्वी सरकार बनाकर रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तक पेच बरकरार है क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है उसमें बेबसी देखी जा रही है। नीतीश कुमार ने एक बार नहीं दो दो बार ये कह दिया है कि बीजेपी की तरफ से कोई भी लिस्ट नहीं सौंपी गई है, अगर लिस्ट नहीं मिलेगी तो फिर किस तरीके से मुहर लगेगी। आपको बताएं कि नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी 50-50 यानी कि हाफ फॉर्मूले पर इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसका मतलब जितने नेता जितने मंत्री बीजेपी कोटे से होंगे उतने ही मंत्री जेडीयू कोटे से। तो नीतीश कुमार की ये मांग है। हालांकि जेडीयू बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं तो ये होगा, लेकिन वहीं बीजेपी के कई ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने अब तक लिस्ट नहीं सौंपी है क्योंकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से अगर लिस्ट नहीं सौंपी जाएगी तो कैसे मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लगेगी। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उसी के कारण कहीं ना कहीं पेच बरकरार है और अब तक जो सीन है वो क्लियर नहीं हुआ है, जिसके बाद से आरजेडी तंज कस रही है कि पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो रहा है। 6-6 विभाग एक मंत्री के हवाले है, ऐसे में बिहार की जनता का क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।